बोलिए। हाँ माँ सब ठीक है, थोड़ा काम में बिजी हूँ बस। हाँ माँ मैं सब करता आया हूँ और सब करता रहूंगा, आप मुझे काम करने देंगे आप? प्लीज मैं बाद में करता हूँ, बाय। PCOD is polycystic ovarian disease. In your case, your hormones are getting disturbed and you started forming multiple eggs. And kyunki multiple eggs ban rahe hain, koi bhi egg mature nahi hota. But doctor, will I be able to conceive or not? Is state of affairs mein tumhara conceive kar pana bahut hi mushkil hai. And then you're planning to get married. Once you get married, you would want to have babies. Aur phir jab तुम कंसीव नहीं कर पाओगी, इट वुड लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ टर्मोइल इन योर मैरिड लाइफ। सो इट इज हाई टाइम यू टेक स्टॉक ऑफ दिस सिचुएशन एंड डू समथिंग अबाउट इट राइट अवे। फॉलो द एडवाइस दैट वी आर गिविंग यू सीरियसली। हमें जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और उस जिंदगी को कैसे जीना है इसका फैसला हमें खुद करना होता है। अभिलाषा चलो बेटा उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है ना, चलो। अभिलाषा आज तुमने फिर बेड गीला कर दिया। बच्चे कितनी बार बोला है आपसे टॉयलेट आए तो उच्चाया करो ना। मुझे रात को डर लगता है। कोई डर नहीं लगता, सब बहाने तुम्हारे, ऑलसी हो गई हो एक नंबर की, कहीं ध्यान नहीं रहता। चलो अब उठो, चलो रेडी होना है ना स्कूल के लिए। गुड गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे वाह मेरी बेटी तैयार हो गई, वाह शाबाश। अरे अभिलाषा कितना पानी पीती हो तुम? प्यास बहुत लगती है। अच्छा टिफिन बॉक्स पूरा खाना ठीक है? ठीक है, पानी तो पिया है, अच्छी बात। अभिलाषा अरे तुम्हारे फ्रेंड आवाज दे रहे हैं, जाओ जल्दी जल्दी बेटा। लो दे दो दे दो दे दो। बी अ गुड गर्ल, पढ़ाई अच्छे से करना। हाँ बाय। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? देखो ना मनोज, आजकल अभिलाषा रोज रात को बेड गीला कर रही है और दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया। मैं भी ये नोटिस कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसके कुछ चेकअप्स करा लेते हैं, कुछ तो पता लगेगा। हाँ राइट आउट ऑफ अ गोस्ट स्टोरी, राइट आउट ऑफ अ गोस्ट स्टोरी, ब्लैक एंड रेनी, ब्लैक एंड रेनी, विद अ हाउलिंग विंड, विद अ हाउलिंग विंड, यस यस, अ रियल मिस्टीरियस नाइट, अ रियल मिस्टीरियस नाइट। अभिलाषा अभिलाषा व्हाट मिस, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? आजकल तुम क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। गो एंड स्टैंड देयर,
और कल अपने पेरेंट्स को बुलाना, मुझे उनसे बात करनी है। जितने भी हमने लेबोरेटरी टेस्ट किए हैं उसको कंफर्म करने के लिए, उससे पता चला है कि उसके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है बहुत ही ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब, डायबिटीज तो ओल्ड एज में होता है, वो तो अभी बच्ची है। नॉर्मली लोगों में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डायबिटीज ओल्ड एज में होती है। 2 साल से लेकर आप लाइफ में किसी भी एज में जो टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है वो डेवलप हो सकती है। एंड व्हाट इज दिस टाइप 1 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट एंटिटी है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का जो एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास, वो एक हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन नॉर्मली बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अगर किसी कारणवश ये जो ऑर्गन है पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर दे, तो नेचुरली जो इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़नी शुरू हो जाएगी और उससे उसको डायबिटीज हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये उसे हुआ कैसे? या ऐसा क्या होता है, कभी कभी ये देखा जाता है कि सडनली बच्चे के अंदर जो पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है। फॉर अनफॉर्चुनेटली वही एंटीबॉडीज पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और सडनली ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम पर दिन में जो हम 3-4 बार इंसुलिन के शॉट लगाते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इंजेक्शन बराबर दें और उसकी शुगर को कंट्रोल रखें, तो डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं उनसे वो अपने बच्चे को बचा सकते हैं। आपको इस डिवाइस से उसका ब्लड शुगर टेस्ट करना होगा। ये नंबर ब्लड शुगर लेवल बताता है, ये 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। अगर ऊपर गया तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी और अगर नीचे गया तो ग्लूकोज टेबलेट की, या ऐसा कुछ भी खिला दीजिए जिससे कि ग्लूकोज लेवल ऊपर आ जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना भी ना खिला दीजिएगा कि उसका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए। पहली बार में सब कंफ्यूजिंग लगेगा, पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इंजेक्शन कैसे देना है। इसका नीडल नॉर्मल इंजेक्शन से थोड़ा छोटा है। जी हाँ, क्योंकि इंसुलिन स्किन के नीचे दिया जाता है, मसल्स में नहीं। इस इंजेक्शन को आप अपने आर्म्स, थाइस में कहीं भी लगा सकते हैं। और इसी तरह ये सारे इंजेक्शन देने हैं टाइम पर, स्पेशली खेलने जाने से पहले और सोने से पहले। कई बार इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल काफी नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बट डोंट वरी, शी विल बी फाइन। और फिर और एक ब्रेड। अब ये बन गया ब्राउन ब्रेड सैंडविच तैयार, मतलब तुम्हारा लंच तैयार। ठीक है, और इसे अच्छे से खाना, वो पापा कितनी मेहनत से बना रहे हैं। ठीक है। अरे भाई अंजलि, हाँ? अरे इसका टिफिन बॉक्स देना, अभी लाई। इसे खा लेना, ये टिफिन बॉक्स। थैंक यू। एक मिनट रुकना। हाँ हाँ, जल्दी। ठीक है, ये बंद हो गया। अब इसे अपने बैग में रख लो। ये तैयार है तुम्हारा बैग। अरे हटो, क्या हुआ? इम्पोर्टेंट चीज रखना भूली गई। दवाइयां। बच्चा, अच्छा स्कूल में अपना ध्यान रखना, हाँ, और अपना टिफिन सारा खा जाना, किसी को भी मत देना और ज्यादा उछल कूद मत करना, हुँ? और अगर तबीयत खराब हो जाए ना तो मिस को कह के मुझे फोन करना। ओके, बाय। चले। बी सेफ। वेरी गुड मानव। वेरी गुड अभिलाषा।
ये क्या लिखा हुआ है इस पेपर में? एक भी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं लिखा है। पहले तो तुम ठीक थी, पर अब दिन पर दिन डफर होती जा रही हो। मैंने तुमसे कहा था अपने पेरेंट्स को लेके आना, लेकिन अब तो तुम ठीक भी होती जा रही हो। टेक दिस एंड गो बैक टू योर सीट। कितने मार्क्स आए तेरे? झगड़ा करती है कभी किसी से। क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करती, कभी कभी तो क्लास में सो ही जाती है। आपने इसके टेस्ट पेपर्स देखे? सिर्फ 2 ही मार्क्स। मैंने इसे कहा था कि मेरी आपसे बात कराए, लेकिन लगता है इसने आपको नहीं बताया। अच्छा हुआ आप खुद ही यहाँ आ गई। क्या हुआ है इसे? एक्चुअली मैम, अभिलाषा की तबीयत बहुत खराब रहती है। तबीयत? क्या हुआ है उसे? She looks absolutely fine. दरअसल हमें एक हफ्ते पहले ही पता चला है कि उसे डायबिटीज टाइप 1 है। डायबिटीज? Oh my God, to such a small kid. We don't know how. पर इस बीमारी की वजह से वो दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। ठीक से कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, बहुत easily टायर फील करती है। दिन भर बस पानी पीती रहती है और टॉयलेट जाती रहती है। Don't worry, Mrs. Gupta. God cannot be so unfair to the small kid. इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ, ताकि मैं आपसे कह सकूँ कि उसका बहुत बहुत ध्यान रखें, उसका बहुत ख्याल रखें। She really needs our support. आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, we'll help her in whatever way it is possible for us. Thank you. Thank you so much, ma'am. कैसे गए हो? कहा था ना बेटा आराम करो।
देखो कैसे ठंडे पड़ गए। चलो ब्लड शुगर लेने चेक करते हैं तुम्हारा। High blood sugar level can affect your eyes, your heart, and even your kidneys. But relax, it's not too late. With regular checking, you can manage your diabetes very easily. AccuCheck. Check regularly and peacefully. हाँ बेटा बोलो। स्कूल में एनुअल डांस कंपटीशन है, मैं पार्ट ले लूं? डांस कंपटीशन? नहीं बिल्कुल नहीं। मनोज इसकी तबीयत बहुत खराब है, आज दोपहर को थोड़ा सा डांस कर लेने से इसका ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो गया था, इसलिए अब बिल्कुल आराम। ओके बट मम्मा मैं ठीक हूँ ना, मैं इंजेक्शन ले रही हूँ ना। हाँ बेटा पर अभी कुछ समय के लिए नो डांस। अरे 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 इसने इतना दुखी होने की क्या बात है बेटा, थोड़े दिन आराम कर लो है ना, बाद में जितनी मर्जी हो डांस कर लेना, कोई रोकेगा नहीं, तुम्हारी मम्मी भी नहीं। हाँ स्माइल स्माइल, यस गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। मैं ना तेरा शुगर टेस्ट करूंगी। ओके टेस्ट हुआ? नहीं हुआ, मुझे तो होता है। मैं सोच रही थी कि मंडे में ऑफिस में बात करके यूएस ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर देती हूँ, फिर मेरी शिफ्ट रात की हो जाएगी, दिन में मैं अभिलाषा के पास रहूंगी और रात में आप। तुम आराम कब करोगे? सोओगी कब? जब वो स्कूल चली जाएगी तब। यू नो अंजलि, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बीवी और सबसे अच्छी माँ। यू गिव मी सो मच स्ट्रेंथ। आई नो दैट। मेरे पेरेंट्स वो सब कुछ कर रहे थे जो वो कर सकते थे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। कि आपको अपने बेटी का डॉक्टर खुद बनना है, पर तब मैं ये सब समझ नहीं पा रही। बेटा उठो ना। प्लीज बेटा। नहीं उठना ना। बट मामा पापा ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उनकी कोशिशें और ज्यादा बढ़ गई। एक मिनट अभिलाषा। मैं अपने आप को जकड़ा हुआ सा महसूस करने लगी थी, क्योंकि वो एक ही चीज जिसे मैं बदलना चाहती थी वही नहीं बदल रही थी, वो नंबर्स। 250. This is the bad number. Come on, take your insulin shot now. समझ में आया तुम्हारे? पर साथ में टाइम भी चेंज हो रहा था, जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मुझे सबसे नफरत होने लगी थी। अब मैं कुछ भी करके बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अभिलाषा जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चीनी ज्यादा डाल देती है। दवाई रखी तुमने? हाँ रख ली डैड। दिखाओ मुझे। डैड मैंने कहा ना मैंने दवाई रख ली है। यू डोंट ट्रस्ट मी। बैग दिखाओ, बैग दिखाओ तुम। लाओ। डैड मुझे देर हो रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वैसे भी बहुत टाइम है। बैठो यार, बैठो। ये कब से चल रहा है? क्या डैड? ये इंसुलिन इंजेक्शन मिस करना। बस आज ही तो भूली मैं, अदरवाइज लेती हूँ रेगुलरली। जल्दीबाजी में याद नहीं रहा, मुझे घर रख ली होगी। इसीलिए मुझे तुम्हारे रूम से अनयूज्ड इंसुलिन की बोतल मिली, राइट? अनयूज्ड तो होगी।
अगर तुम उसे यूज नहीं करोगे तो। बट डैड मेंटेस किया था सुबह। अच्छा बताओ क्या रीडिंग है? 140। मैं चेक करता हूँ। लो। वो चेक करा तो एक उंगली लगती है ना। थ्री हंड्रेड? अरे इस रीडिंग का मतलब समझते हो तुम? दिस इज नॉट ए गुड नंबर एंड यू नो दैट। डैड आई एम सिक ऑफ दिस गुड एंड बैड नंबर्स। मुझे नफरत है इन सबसे। बस यही करते हो रात दिन, बस नंबर्स नंबर्स नंबर्स। कहीं 80 से नीचे ना चला जाए, कहीं 120 ऊपर ना चला जाए। इंसुलिन लो तो प्रॉब्लम, ना लो तो प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम होनी है तो लेनी क्यों है फिर? मुझे एक नॉर्मल इंजीनियर डैड। आई जस्ट डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू मी। आपको मुझे देखकर ये एक बार भी रियलाइज नहीं होता? बेटा मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी आपके बात। मेरी बस आने वाली, मैं जा रही हूँ। अरे क्या हो रहा है? सुनो बेटा सुनो। कभी कभी डायबिटिक होना काम कर जाता था। जब भी क्लास में बैठने का मन ना हो तो लो ब्लड शुगर। इट यूज्ड टू बी क्वाइट फन, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ था मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय ओनली फ्रेंड विक्रांत। ये मेरा घर है, ये मेरे डैड, ऑलवेज वर्किंग। इनके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। डैड, डैड, डैड। क्या हुआ विक्की बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो देख रहे हो ना, बिजनेस की बात कर रहा हूँ फोन के। डैड, आई एम फीलिंग लो। अलका, अलका। क्या हुआ? एंड ये मेरी मॉम, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट। तो नर्स को किस लिए रखा है? और मैं विक्रांत। नर्स? मैं बहुत स्पेशल हूँ, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स तो मुझे यही फील कराते हैं, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। या नहीं, क्योंकि उन्हें एक साल पहले ही पता लगा था कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। क्या हुआ? क्या हुआ? आई हेट हर। तो तूने नर्स को भी भगा दिया? नहीं यार, ये बात है टफ है, बट डोंट वरी, मैं उससे ज्यादा टफ हूँ। तू ये खाते खाते बोर नहीं होती? और कोई ऑप्शन है? है ना। क्या? समथिंग डिलिशियस, जिसे देखकर तेरे मुंह में पानी आ जाए, जिसे देखकर तुझे उसे खा जाने का मन करे। यम। देखा, ये ले और ऐश कर। इसे तेरा बर्गर का है? तू क्या पूरा का पूरा खाएगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि तू मेरा लंच खाएगा। ये हाँ। अंजलि, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से और बिल्कुल आराम करो, बिल्कुल आराम करो प्लीज। अरे नहीं, छुट्टी नहीं ले सकती, ऑफिस में बहुत काम है। एंड मनोज, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। एंड वैसे भी ये प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है, छुट्टी लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, और मैं जानता हूँ कैसे फर्क पड़ेगा। ये हमारी छोटी सी नन्ही बच्ची जब खुद रिस्पॉन्सिबल होकर अपना काम करेगी, तब इसकी माँ को आराम मिलेगा, है ना बेटा? मनोज प्लीज, उसके सामने ये सब क्यों बोल रहे हो? अरे अंजलि, ये खुद कहती है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। तो उसको समझना पड़ेगा ना कि इसके और इसके माँ के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। ओके मनोज, स्टॉप, इनफ। अभिलाषा जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। जाओ बेटा। ओके मनोज, ये सब क्या था? क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें हो क्या गया है आजकल? तुम जानते हो ना उसकी कंडीशन? अरे मैं उसकी कंडीशन जानता हूँ, लेकिन उसे भी तो तुम्हारी कंडीशन जाननी चाहिए यार। अंजलि, उसको इतनी छूट देना अच्छा नहीं है। वो जानती है कि उसके माँ बाप सब कुछ करेंगे उसका। देखिए मनोज,
मैं नहीं जानती आप जो ये सब कह रहे हैं वो सही है या गलत, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे कि उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके बाबा, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम जो कहोगी वही होगा, प्लीज तुम आराम करो। अभिलाषा, कंग्रेचुलेशन न्यू फ्रेंड। कौन? ये कौन है? मुझे क्या पता, खुद जाके पूछ लो, अब तो तुम्हारे साथ ही बैठ गई हो मोटी। मेरा नाम अभिलाषा है, तुम? मीनाक्षी। तुम नहीं आई हो? अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। देखा, देखते हैं तुमने कुछ पढ़ा भी है, तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं। क्वेश्चन है, लाल किला किसने और कब बनवाया था? वो जो लास्ट स्टूडेंट है, तुम नहीं हो ना, तुम बताओ लाल किला किसने और कब बनाया था? पापा ने बनवाया था कल रात। हाँ, उन्हें राइस पसंद है ना, और हमारे घर में लाल किला राइस पसंद है। एलेक्स, ये मेरी क्लास में नहीं आई है, बहुत अच्छी है, थोड़ी सैड है, इसलिए मैं इसको लंच के लिए ले आई। बट हम किसी और को नहीं बुलाते। चल आज के लिए ठीक है, कल नहीं तो सुना लियो, समझी? ये इतना अजीब क्यों है? क्या कहा? अजीब? मैं अजीब नहीं, बहुत अजीब हूँ, समझी? आ चल, माफ किया, बड़े शर्त पे अपना लंच बॉक्स दे, तुझे देख के लगता है कि तेरा लंच मस्त होगा। अबे दे ना, शर्मा मत, तू भी अच्छा लंच खा, बहुत टेस्टी है। ये क्या है, ये सब खा के भी हाल है? गॉड नोज नॉर्मल खाने में क्या होगा इसका। विक्रांत स्टॉप इट, मुझे नॉर्मल खाना मना है, यही मिलता है, अदरवाइज मुझे तो खाना बहुत पसंद है। मेरी बीमारी के वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ अच्छा नहीं खाने देते, कभी कभार तो मैं भूखी रह जाती हूँ। क्यों, क्या हुआ है तुझे? डायबिटीज। ये भी? इस तरह हमें मिला हमारा तीसरा मस्केटियर मीनाक्षी शर्मा। एक टाइम था जब बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि तब उसे जो चाहे वो खाने को मिलता था। पर एक दिन सब बदल गया। Life sometimes is so unfair. हमसे अच्छा अब इस बात को और कौन जानता था। Diabetes. क्या कर रही है मेरी बच्ची? अच्छा, आज रचना आंटी मिली थी, वो कह रही थी कि तुम्हारे स्कूल में डांस वर्कशॉप शुरू होने वाली है, तुम भी ज्वाइन कर लो। ये क्या ज्वाइन ज्वाइन लगा रखा है, मुझे नहीं पसंद है कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशन में पार्ट मत लो, बट वर्कशॉप तो ज्वाइन कर सकती हो। मुझे नहीं करना ये सब। अरे पर घर पर तो डांस करती हो ना। मम्मा घर पर बात अलग है। कुछ अलग नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम घर से बाहर डांस क्यों नहीं करती हो, क्योंकि तुम समझती हो कि तुम सबसे अलग हो, किसी से दोस्ती नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, ठीक है किसी से घुलो मिलो नहीं, पर वर्कशॉप तो ज्वाइन कर सकती हो ना बेटा, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। मम्मा प्लीज। नो अभिलाषा, नो प्लीज दिस टाइम। तुम ये क्लासेस ज्वाइन करोगी,
और मैं कल पर्सनली तुम्हारे स्कूल जाकर तुम्हारे प्रिंसिपल और डांस टीचर से इस बारे में बात। मम्मा नो, मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाकर मुझे एम्बैरेस करें। मैं नहीं चाहती कि आप उनसे कहें कि मेरी बेटी डायबिटिक है, इसे ले लो, इसका ख्याल रखना। आई एम सिक ऑफ इट मम्मा। ओके, मैं क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी बट एज अ नॉर्मल गर्ल। ओके, क्या हुआ तुझे, इतनी परेशान क्यों है? आज से मैं डांस वर्कशॉप ज्वाइन कर रही हूँ। सही बोल, तो बसंती अब नाचेगी? ओके 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 ओके। वैसे किसका आइडिया था, अंकल का या आंटी का? मम्मा का। ये मम्मी अभी ना, यू नो आई जस्ट टू हेट डांस। एटलीस्ट उसकी मम्मी बोलती तो है, और वैसे भी शी लव्स टू डांस। ठीक है ना यार, जा और चिल मार। यू नो आई डोंट लाइक क्राउड्स, और ऊपर से अकेले वहाँ। अकेले क्यों, ये है ना मेरे धन्नो, इसे भी ले जा। मैं, मुझे नहीं करना कोई डांस वांस। हाँ ये आइडिया अच्छा है यार, चल यार। मैं नहीं यार, प्लीज चल ना, प्लीज चल यार। ओके यस। तुझे क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं यार, पता नहीं मैच के बाद से कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ अपने हाथे? कितने दिन से इंसुलिन नहीं ली? कल तो ली थी यार, आज ही ले ली गेम से पहले। फालतू का टंटा ये रोज रोज का इंसुलिन शॉट्स। नहीं आई नो, पर ये इंसुलिन के शॉट्स क्यों लेता है? क्यों लेता है, डायबिटीज में और क्या लेगा? मैं तो नहीं लेती, और ना ही किसी ने मुझे कभी बताया इंसुलिन के बारे में। तो क्या लेती है फिर? 3-4 टैबलेट्स लेती हूँ रोज। ओह यू लकी गर्ल, लगता है तुझे टाइप 2 है। ये टाइप 2 क्या होता है? दो डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। हम दोनों को टाइप 1 है, जिसमें हम दोनों को इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हैं 3 या 4 बार। 3-4 बार? यीक्स, दैट्स बैड। तेरा टाइप 2 है, सिर्फ टैबलेट से काम चल जाता है। टाइप 2 इज सो कूल ना, समटाइम्स आई विश कि ये टाइप 1 से बेटर टाइप 2 ही होता। ये लो हाई की टेंशन ही नहीं होती। आई स्वेयर, पर ये डायबिटीज होती ही क्यों है किसी को? ये भी है।
राइट। ओ लुक, हु इज इट? तुम दोनों यहाँ डांस देखने आए हो? ओ, डोंट टेल मी कि तुम यहाँ डांस कंपटीशन के लिए आए हो। तुम और ये मोटी वैसे अच्छी जोड़ी है। क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे प्रॉब्लम और तुम दोनों से? गिव मी अ ब्रेक। मैं तो बस थोड़ी कंसर्न थी कि डांस करते हुए तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। हर टाइम तो तेरा यही बात रहता है, क्यों? एंड यू लाल किला, जरा ध्यान से डांस करियो, ये फ्लोर जरा कमजोर है, कहीं टूट ना जाए। यार चल यहाँ से मुझे। अरे रुक ना, इग्नोर कर उसे। Are you guys doing? मैं साहिल हूँ और मैं आपका नया डांस टीचर हूँ और ये वर्कशॉप मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ। क्लाइंट की कॉन्फ्रेंस कॉल का वेट कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तुम्हारी वर्क टाइमिंग्स अजीब होती जा रही है अंजलि। आई नो, क्या कर सकती हूँ, पर आप इतनी सुबह तैयार कैसे हो गए? अरे ऑफिस से एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, उसके लिए जाना है, तुम्हारा वेट कर रहा था। ओ, अच्छा, कल आप टेस्ट स्ट्रिप्स ले आए थे ना? कौन सी टेस्ट स्ट्रिप्स? मनोज, अभिलाषा के ब्लड टेस्ट स्ट्रिप्स खत्म हो गए थे और आपने कहा था कि आप ले आओगे। मैं तो भूल ही गया। भूल गए? मनोज, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं? क्या हो क्या क्या है आपको आजकल? क्या हो गया? थोड़ा सा बिजी रहता हूँ आजकल। अरे तुम्हें तो पता है मार्केट का सिचुएशन। समझती हूँ, पर अगर आप इतने बिजी थे तो आप मुझे कह देते, मैं ले आती। इट्स सो सिंपल। सिंपल? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं उसकी परवाह नहीं करता। तुम भी तो लेट हुई हो, हाँ? और मैं यहां इंतजार कर रहा हूं। अरे अभिलाषा को नाश्ता देना होता है, उसे स्कूल भेजना पड़ता है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बिजी हो। आपको क्या लगता है कि वर्क प्रेशर सिर्फ आपको है मनोज? व्हाट? हॉस्पिटलाइज्ड? क्यों? हाइपरग्लाइसीमिया। ओह गॉड, ये टाइप 2 इतना भी कूल नहीं है। मुझे उसे डांस क्लास में नहीं लेके जाना चाहिए था, कितना डिप्रेसिव हो गई थी वो। अब बेस्ट स्टूपिड, अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही है? नहीं यार, सब जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मेरी वजह से। और आज तो मम्मा पापा के बीच भी लड़ाई हो गई मेरी वजह से। आई फील सो सिक। अबे तेरे पेरेंट्स कम से कम आपस में लड़ते हैं, मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरे नर्स से लड़ते हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, दवाई कब लेनी है, उफ, मेरा सर दर्द हो रहा है। तू टेंशन मत ले, टाइप 2 विल फाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 सर, I'm feeling thirsty and tired, मैं पानी पी लूं थोड़ा। ओके गो। And Vaishali, what's wrong with you today? Concentrate. Okay? Okay, everybody. Once again, we begin with the off. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, and a 1, 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Good. Everybody, give your hands for yourself. Touch your partners. Good, good. Okay. अभी मैं पांच नाम अनाउंस करूंगा के पीपल हु आर देयर ऑन द लिस्ट. जस्ट रेज अप योर हैंड. क्या कृति, सेकेंड वी हैव नुपुर, निशिता, आयुषी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट निशिता. तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू समझती क्या है अपने आप? क्यों मैंने क्या किया? तू अच्छी तरह जानती है तूने क्या किया. साहिल से मुझे कितना इम्प्रेस थे, बट आज तूने मेरा पूरा सेशन स्पॉइल कर दिया. मैंने कुछ नहीं किया, तुझसे ही डांस नहीं हो रहा था. देख, मेरे डांस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ. ओके, और सुन, मुझसे दूर रही हो, समझी? वरना देख मैं क्या करती. मीनाक्षी सुन तो, अरे क्या हुआ? टाइप टू, वेलकम बैक. इसे क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से क्यों चुप है. मीनाक्षी, मीनाक्षी, आई डोंट वांट टू लिव. मुझे नहीं रहना ऐसे, हर कोई मजाक उड़ाता है. ये क्या मेरी गलती है कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? ये क्या मेरी गलती है कि मुझे खाना इतना पसंद है? मैंने बोला था कि मम्मी पापा को कि अच्छा अच्छा खाना खिला के मुझे ऐसी आदत डाले. मुझे नहीं अच्छी लगती साइकिलिंग, पर फिर भी करनी पड़ती है. आई डोंट वांट टू डांस, पर जब करती हूँ तो सब मजाक उड़ाते हैं. अरे यार, यू आर द बेस्ट. अब कोई मजाक नहीं बनाएगा, क्योंकि अब मैंने उस लड़की को मजा चखा दी है. उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो मुझे लाइक तो नहीं करेगी ना, अब उल्टा और मजाक उड़ाएगी. ये सब प्रॉब्लम्स इस डायबिटीज की वजह से. कम ऑन मीनाक्षी, वी लाइक यू. दूसरों के बारे में सोचना छोड़. कैसे छोड़ू? मुझे नॉर्मल रहना है, स्पेशल चाइल्ड नहीं बनना. नॉर्मल स्पेशल का तो पता नहीं. हाँ, पर ये ले, इसे खा और ऐश कर. खाने से भी तो प्रॉब्लम है ना. पता है मेरी आधी सेविंग्स खाने में चली गई थी. इतना कितना खाया तूने? मम्मा पापा घर पे नहीं थे ना, और बहुत टेंशन थी, तो मैंने दो पिज्जा ऑर्डर करे और एक कोक. फ्रिज में नारियल की बर्फी पड़ी थी, और शाम को एक पाव जलेबी और चार रसगुल्ले, और फिर रात में डोसा सांबर और उसके. बस कर, इतने में तो कोई भी हॉस्पिटल पहुंचेगा. हमारी बात तो छोड़ ही दो. तूने इतना खा लिया था, तो दो तीन टैबलेट भी खा ली थी. आई टोल्ड यू दिस टाइप टू इज कूलर. यार, जब टेंशन होती है ना, तो मुझे बहुत भूख लगती है. अभी तो नहीं है ना टेंशन? है ना, थोड़ी थोड़ी. इसका मतलब अगर पूरा का पूरा खाएगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Back to the floor, take it from the top. 5, 6, 7, and 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, step 2, step 4, step 6, 7, and side, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तुझे बोला था ना, मेरे आसपास भी मत फटकियो, समझ में नहीं आती? वो तो साहिल सर ने बोला था. साहिल सर ने मुझे डिस्टर्ब करने के लिए भी बोला था. आई एम नॉट वेल. यू सिको, डोंट गिव मी दैट बुलशिट. ओके, आई नो व्हाट यू आर अप टू. कोई बीमार नहीं है तू,
ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्लास में बैठ, आराम कर और चुपचाप अपनी मेडिसिन ले। यहाँ हमें डिस्टर्ब मत कर। दिस डांस इज नॉट फॉर सिक्कोस। तेरे बस की बात नहीं है ये, गॉट इट? क्या हुआ, घर नहीं जाना क्या? क्या हुआ? मुझे डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है। मैं डांस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करूंगी। आई वॉन्ट टू शो हर की डांस किसके बस की बात है। वो तो तुम डांस क्लास में कर सकती हो। चलो क्लास का टाइम हो गया, क्लास में जाओ। सर नो, मुझे डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है। मुझे प्रूव करना है कि मैं भी एक अच्छी डांसर हूँ। I need practice. वो तो ठीक है, पर ये कोई तरीका नहीं है। चलो क्लास में चलो। नो सर। You look sick. I am not a sicko. मुझे नहीं जाना क्लास में। अभिलाषा, अभिलाषा, ये कौन सी जगह है? अंदर जाओ, खुद देख लो। ये कौन है? ध्यान से देखो। सभी तो डायबिटिक हैं। तो तुम्हें क्या लगा, डायबिटिक से लड़ने वाले तुम अकेली हो? अंदर जाओ और देखो, तुम्हारे से कई लोग हैं जो डायबिटिक से लड़ रहे हैं और नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाओ, जाओ अंदर। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। करीब 10 साल पहले आप ही की तरह का एक बच्चा जो डायबिटीज से पीड़ित था मेरे पास आया। वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, एक बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं आ रही थी। उसको लगता था कि शायद डायबिटीज उसको कुछ करने नहीं देगी। अपने आप को बहुत कमजोर समझता था। उसने डायबिटीज से काफी लड़ने की कोशिश की।
डायबिटीज से बहुत लड़ता था और उसको ये लगा कि डायबिटीज मुझे हरा कर छोड़ेगी। उसने यही एक निष्कर्ष निकाला कि जिस चीज से आप लड़ नहीं सकते, क्यों ना उसको अपना दोस्त मान लें। और उसने यही अपनाया, डायबिटीज के साथ दोस्ती कर ली, प्रॉपर टाइम पर दवाई लेना, डाइट प्रॉपर लेना, व्यायाम करना, और उसके बाद वो एक इतना अच्छा डांसर बन गया कि अब हर किस्म के डांस, चाहे वो सालसा हो, चाहे हिप हॉप हो, चाहे कथक हो, वो कर लेता है। और आप जानना चाहेंगे कि वो कलाकार कौन है? मैं सोलो डांस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती हूँ और आपसे डांस सीखना चाहती हूँ। I want to be a dancer like you. You will be a better dancer than me. Trust me. पर उसके लिए बस एक ही शर्त है और वो ये है कि तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी पड़ेगी, टाइम से बैलेंस डाइट और खूब मन लगाकर डांस करना है। करोगी? Yes. Deal? Deal. Okay, then let's do it. वुड हेल्प। चलो अब जल्दी से इंसुलिन ले लो, मैं खाना लगा। ओके सो तुम्हारी डांस क्लासेस कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। गुड, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड। चलो जल्दी से इंसुलिन ले, चलो फटाफट। गुड 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 गुड, बैठो। शाबाश। ताकत मेहनत की बूंदें इन पे टिकी हैं, कितनी उम्मीदें। जिस्म की ताकत मेहनत की बूंदें इन पे टिकी हैं, कितनी उम्मीदें। रोक ना पाए कोई, टोक ना पाए कोई, रोक ना पाए। जीत के झंडे चारों लहरा दो, घुमा दो फिरा दो, इस दुनिया को दिखा दो। डांस के बाद पक्का लो हो जाएगा। आई नीड हायर शुगर लेवल। सो ऑल सेट? यस सर। सारी तैयारियां हो गई है? यस सर।
ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. वैसे उस स्टोरी का एक और पार्ट है, वो जो डायबिटिक लड़का था ना, वो अपने पहले डांस कॉम्पिटिशन में लास्ट आया था. सो पोजिशन डजेंट मैटर, वॉट मैटर्स मोस्ट इज दिस एटीट्यूड. ठीक है, एटीट्यूड मैटर्स. सो मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ. यू नीड दिस. आई नो डैड, मेरे पास भी एक है. ओ वाओ, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. देखो देखो है शाम बड़ी दीपानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी. दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं. अगलो होश नुमीदानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है. ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है. All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. अभिलाषा कहाँ है? कहाँ था तू? अभिलाषा तैयार हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस है ना. अच्छा सुन, ये रख मेरा बैग रख, मुझे लू जाना है. विक्रांत, विक्रांत कहाँ था तू? मैच, वी वॉन इट. मैंने कहा था ना, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. आई एम परफेक्टली ऑल राइट. मैं जा रही हूँ, और अपना प्लीज ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर लियो, और ऑडिटोरियम में जल्दी जा वरना सीट नहीं मिलेगी. ऑल द बेस्ट. थैंक्स, बाय बाय. जिस चीज से आप लड़ नहीं सकते, क्यों ना उसको अपना दोस्त मान ले. तुमसे अच्छी हूँ, मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह हूँ. अभिलाषा. सो विक्रांत, हाउ आर यू फीलिंग नाउ?
फाइन, बट क्या हुआ था मुझे? एडवांस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तुम 2 दिन से डायबिटिक कोमा में थे। तुम इससे पहले भी कोमा में जा चुके हो? वेल, दिस टाइम इट वॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस विक्रांत। सीरियस क्यों? तुम्हारे पैर में जो ये चोट लगी है, ये कितने टाइम पहले लगी थी? करीब 1 महीने पहले। क्यों? तुम्हारी हाई ब्लड शुगर की वजह से ये इतने टाइम से हील नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से तुम्हारे पैर में गैंग्रीन फैलने लगा था, जिसकी वजह से हमें तुम्हारे पैर की 2 उंगलियां काटनी पड़ी। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं। डोंट वरी, अभी तुम ठीक हो, बट इस बार तुम काफी लकी थे। अगर कुछ दिन और इसे इग्नोर करते तो शायद हमें तुम्हारा पूरा का पूरा पैर काटना पड़ता। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम इट कैन बी वेरी डेंजरस। तुम समझ रहे हो ना? यस डॉक्टर। गुड, आई सी यू लेटर। टेक केयर। टेक केयर। कब तक केयर नहीं करोगे? किस चीज का वेट कर रहे हो? पूरे पैर के एम्प्यूटेशन होने का, किडनी डैमेज का, ब्रेन डैमेज का, या हार्ट अटैक का? यू नो यू आर राइट, यू रियली डोंट केयर, जस्ट लाइक मीनाक्षी। बट एटलीस्ट वो अब समझी तो है। टाइप 2 कहाँ है वो? तेरी तरह वो भी ऐसे ही बेड पे लेटी है। उसे क्या हुआ है? She also didn't care, और नतीजा obesity, fertility problem, depression, और finally suicide attempt. What? You met her? हाँ, आज सुबह। उसे भी लेक्चर दिया। How could you be so stupid, Meenu? Suicide? मगर क्यों? ऐसा करने से पहले तूने किसी के बारे में नहीं सोचा? I don't know, अभिलाषा। I'm sorry. I'm really sorry. पर उस टाइम सिर्फ मरना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। काश मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग होती। But I'm not. नहीं सह सकती मैं ये सब। I don't think I deserve to live. Look at me. Look at me. You do deserve to live, Meenu. Just like any one of us. और सुन, तू कुछ भी कर सकती है अगर करना चाहे तो। लाइफ ऐसे ही खत्म करने के लिए नहीं है। Come on. Promise कर कि तू बदलेगी। Meenu, At least give it one try, my way. दोस्ती के लिए इतना लिहाज भी नहीं रखेगी? रखूंगी। I'll try my best to change. I promise. Type 2 इतना भी कूल नहीं है, नहीं? उसने तो रखा लिहाज। तू पता, तू रखेगा या नहीं? विक्रांत, I want that same promise from you. उस दिन से विक्रांत और मीनाक्षी ने भी डायबिटीज से दोस्ती कर ली और एक बेटर लाइफस्टाइल अपना लिया। मीनाक्षी ने अपने खाने पर कंट्रोल और एक्सरसाइजेस शुरू कर दी, रोज सुबह जॉगिंग, और धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स कम होने लगी। अब वो भी नॉर्मल थी। शुगर्स तुम्हारे कंट्रोल्ड हैं और वेट भी कम हो रहा है। तुम्हारा हार्मोनल प्रोफाइल इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज। द पीसीओ थिंग इज गोइंग डाउन, सो नाउ यू कैन प्लान योर फ्यूचर एंड यू कैन प्लान योर मैरिज, योर बेबीज एटसेट्रा। गुड, गुड गोइंग। अब क्या परेशानी है? आई जस्ट वांटेड टू नो दैट आई एम अ डायबिटिक।
Will my child also be a diabetic? No, not necessarily. डायबिटीज हमेशा जेनेटिकली डिटरमिंड नहीं होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल होता है. पर अगर तुम अपना ध्यान अच्छे से रखोगी, अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करोगी हैप्पीली, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड देन इफ यू कंसीव, तो एक नॉन डायबिटिक पेरेंट जब एक प्रेगनेंसी प्लान करता है और एक डायबिटिक पेरेंट जब प्रेगनेंसी प्लान करता है अपना ध्यान रखते हुए, सो बोथ आर गोइंग टू हैव हेल्दी एंड नॉर्मल बेबीज. विक्रांत ने स्मोकिंग छोड़ दी और रेगुलर इंसुलिन लेना शुरू कर दिया. और मैं वही नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ. जी हाँ, एकदम नॉर्मल और हेल्दी लाइफ. ये प्रॉमिस किया कि करना है फॉलो एक करेक्ट लाइफस्टाइल, एक करेक्ट लाइफस्टाइल, एक करेक्ट लाइफस्टाइल, एक करेक्ट लाइफस्टाइल फॉर माइसेल्फ, माय ओन वेलबीइंग, क्योंकि तभी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था और जो चाहे वो कर सकता था. और अब डायबिटीज से दोस्ती कर ली है, अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है. रोज लेना इंसुलिन ये पता है मुझे, रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट करना है मुझे, बिना इसके अब नहीं जीना है मुझे. रोज डांस करूं मैं फिर आराम में, स्पोर्ट्स में फुल पार्टिसिपेशन, पढ़ाई में पूरा कॉन्सेंट्रेशन, आई स्टे चीयरफुल, नो मोर आइसोलेशन, एक्सरसाइज रिक्वायर्स आई लिव लाइफ, दैट्स व्हाट डायबिटीज, दैट इज द मंत्र ऑफ द बेस्ट लाइफ. नई है नई ये उड़ान, इन राहों को तू चुन ले, हो जाए मुश्किलें आसान. ना कोई जंजीर है ना कोई बंदिशे है, ये जिंदगी ही कुछ और